लिए क्या निकालूंगा, क्या त्याग करूंगा, क्या खर्च करूंगा। जो आपकी आत्मा आपसे कहे वही अपने मन में निर्णय करें। पलके झुका लो और आधे मिनट तक अपने आप से पूछो कि आप क्या लगाना पसंद करेंगे। और जो जवाब आपकी आत्मा ने, आपके अंतर्मन ने आपको दिया है, आप वो फैसला करो। अपनी औकात से ज्यादा भी संकल्प मत लेना, पर इतना कमजोर संकल्प भी मत लेना कि आप उसे पूरा ना कर पाए। लिया, कुछ न कुछ सोचा, कुछ न कुछ फैसला किया, भले ही 500 रुपया निकालने का संकल्प लो, 1000 निकालने का संकल्प लो, 11000, 1 लाख, 11 लाख, आप अपनी औकात के हिसाब से समझो। मैंने तो भाई जीवन का यही गणित बचपन में सुन रखा है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम अगर निकाल कर दोगे तो याद रखना, भगवान कभी सामने से आकर के नहीं दिया करता, भगवान कभी सामने से आकर के नहीं देता। और अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो इसकी वजह यह कि तुमने किसी को कुछ दिया नहीं है। तुम श्री प्रभु के नाम पर अपना खजाना लुटा कर देखो तो सही कि वो तुम्हारा खजाना कितना 4 गुना बढ़ता है। भगवान सामने आकर के नहीं देता, भगवान जो हमारी छाया है ना, उस छाया में आकर के डाल के चला जाया करता है। वो आगे से नहीं, वो पीछे की झोली में आकर के डाल करके चला जाता है, पता भी नहीं चलता और हमारा खजाना भर जाया करता है। पता भी नहीं चलता और खजाना भर जाया करता है। दया और दान, दया और दान। फैसला करो, संवत्सरी पर्व है तो निर्णय करो, संकल्प करो। हर बहन निर्णय करे, हर भाई निर्णय करे। अगर आपको लगता है आपके पति देव आपको खर्च करने की छूट नहीं देते, तब भी आपके पास इतना बहुत कुछ है कि आप उसमें से एक हिस्सा निकाल सके। इतना जरूर है कि आप निकाल सके। देखो भाई, अरे रोजाना ना सही पर हफ्ते में 1-2 बार तो कोई ना कोई गाय, कोई ना कोई कुत्ता, कोई ना कोई जीव जंतु हमारे घर के आगे से जरूर गुजरते हैं। अरे और कोई ना भी आए तब भी हमारे घर में एक नौकर या नौकरानी जरूर आते होंगे, हम उनके लिए भी दया और दान कर देंगे। पर हर व्यक्ति ये फैसला करे, मैं अमुक दया करूंगा, मैं अमुक दान करूंगा। मैंने तो धर्म शास्त्रों से यही सीख रखा है कि अगर हाथी के भव में भी मेघ कुमार ने एक खरगोश पर केवल 3 दिन की करुणा की थी, तो परिणाम ये हुआ कि वो हाथी मरने के बाद राजकुमार मेघ कुमार बना था। 1-3 दिन की दया। अगर आज आप यहां से गुजरते समय, स्कूटर चलाते वक्त अगर 2 मकोड़ों को बचाते हैं, तो ये मत समझना कि आपने कोई यूं ही मकोड़ों को बचा दिया। इसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा अगर आपने किसी भी मरते हुए प्राणी को बचाया है। तो मुझे याद है, बहुत प्यारी घटना है। और कहते हैं कि एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और जंगल से जब वो गुजर रहा था, शिकार खेलते हुए गुजर रहा था, उसे और तो कोई जीव जंतु हाथ ना लगा, पर एक हिरणी का बच्चा उसके पकड़ में आ गया। शिकारी ने उसे पकड़ा और अपने साथ घोड़े के साथ बांध करके निकल पड़ा। जैसे ही वो बच्चा जाने लगा या उसे पकड़कर ले जाया जाने लगा, कि तभी जंगल में से अचानक एक हिरणी निकल करके आई, जो कि वास्तव में उसकी मां होती है। और वो हिरणी उस घोड़े के पीछे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। शिकारी का गांव आ जाता है, मगर फिर भी हिरणी वापस जंगल नहीं जाती और गांव के भीतर घुसने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शिकारी अपने घोड़े से उतरता है, बच्चा जो बंधा हुआ होता है उसको खोलता है। हिरणी अब भी सामने खड़ी रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। शिकारी के मन में न जाने उस हिरणी की आंखों के आंसुओं को देखकर कौन सी दया जग जाती है कि उसे लगता है ये भी कैसी मां है जो कि अपने बच्चे के लिए ठेठ जंगल से यहां तक चली आई है। वो दया से प्रेरित हो जाता है और हिरणी के बच्चे को
छोड़ देता है। जैसे ही बच्चा छूटता है हिरणी के पास जाता है और हिरणी अपने बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ दौड़ करके चली जाती है। रात को वो शिकारी एक सपना देखता है, रात को वो शिकारी एक सपना देखता है और सपने में देखता है कि वही हिरणी अपने बच्चे को लिए हुए उसके सपने में आती है और सपने में आकर कहती है, ए शिकारी, आज तूने मुझ पर जो दया दिखाई है, मेरे बच्चे को छोड़कर आज तूने मुझ पर जो करुणा की है, याद रखना शिकारी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें इस दया का फल अवश्य मिलेगा। तुमने ये जो मुझ पर दया की है, इस दया का फल, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। और ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं जो व्यक्ति आगे जाकर के गजनी का बादशाह बना। यह उस व्यक्ति की कहानी है जो आगे जाकर के गजनी का बादशाह बना, अर्थात एक हिरणी के बच्चे पर या हिरणी पर उसने जो दया दिखाई, परिणाम यह बना कि वो गजनी का बादशाह बना। हम लोग अपने दिल से पूछे कि मैं अपनी ओर से कितनी दया करता हूं। कभी अगर अकेले में बैठो ना तो सोचा करो कि हे जीव, तू अपने लिए तो खूब करता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए खूब करता है, अरे सोच रे जीवड़ा, तू औरों के लिए क्या करता है? तू जो कुछ करता है अपने लिए करता है, पर जरा सोच के तू दूसरों के लिए क्या करता है? धर्म सच्चा वही है जहां पर इंसान अकेले में बैठकर ये चिंतन करता है, अरे जीवड़ा सोच कि तू दूसरों के लिए क्या कर रहा है, औरों के लिए क्या कर रहा है, गैरों के लिए क्या कर रहा है। जिस दिन हम लोग ये सोचेंगे उसी दिन से हमारे जीवन में सच्ची दया, सच्ची करुणा और सच्ची अहिंसा का जन्म होगा। तो दया, दान, ये जो हाथ है ना, ये हाथ हमेशा यूं करने के लिए हुआ करते हैं, दो। ये हाथ हमेशा किस लिए होते हैं? दो। हाथ के क्या रूप होंगे? या तो लो या फिर दो। सोचो आप क्या चाहते हैं, लेना या देना? क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या भाव है? लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, देना चाहते हैं तो देना भी शुरू हो जाएगा। दिल में जैसे भाव होते हैं ना, भगवान हमारे लिए वैसे ही व्यवस्था करते हैं। ऊपर वाला जो है ना, वो केवल यूं हाथ खड़े किए हुए बैठा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला न लेता है न देता है, वो केवल हाथ यूं रखे हुए है, जैसा जैसा तुम चाहते हो वैसा वैसा वो तथास्तु कहता है। ऊपर वाला केवल हाथ यूं रखे हुए है और उसका हाथ जैसा तुम चाहोगे वैसा लौटकर आ जाएगा। लेना चाहते हो तो लेने की वो व्यवस्था बैठा देगा और देना चाहते हो तो देने की व्यवस्था बैठा देगा। इसीलिए जो चोरी करना चाहता है मंदिर में जाता है और चोरी करना चाहता है भगवान उसके लिए भी कहते हैं तथास्तु, और जो गुल्लक में डालना चाहता है भगवान उसके लिए भी क्या करते हैं तथास्तु, तुम जो चाहो तुम्हें वैसा मिल जाएगा। अगर लेना चाहते हो तो भिखारियों के लिए भीख की भी व्यवस्था हो जाएगी, और देना चाहते हो तो ये दातारी और सेठाई भी तुम्हारे घर में पनप जाएगी। तुम जैसा चाहोगे, श्री भगवान तो हाथ यों किए बैठे हैं, तथास्तु जो चाहो वापस लौटता जाएगा। छोटे ओछे विचार रखोगे तो भी तथास्तु, ऊंचे महान विचार रखोगे तो भी आएगा तथास्तु। जीवड़ा जलाओगे तो ऊपर से क्या आएगा तथास्तु, और जीवड़े को खुश रखोगे तो ऊपर से क्या आएगा तथास्तु। जैसा चाहोगे वापस वहां से लौट लौट कर आता है। भगवान का घर तो सरोवर में ठीकरी फेंकने के समान होता है, ठीकरी फेंको और ठीकरी से तरंगे पैदा होती हैं। जैसे ही पानी में ठीकरी फेंकते हैं तरंगे पैदा होती है, और वो तरंगे वापस कहां आती है? ठीकरी फेंकने वाले पर ही लौट करके आती हैं। जैसा फेंकोगे वापस वैसा लौट कर आएगा। श्री भगवान से ये जीवन की सीख पाई हुई है। भगवान को मैंने आज तक किसी भी देवता को यूं छीनते हुए नहीं देखा है। वहां पर तो एक ही अक्षर चलता है, वो है दद्दा। एक ही अक्षर है, वो है दद्दा। दो
और ऊपर वाला जब तक देता है तब तक देवता कहलाता है और देना बंद कर दे तो दुनिया में कौन बेवकूफ ऐसा होगा जो रोज वहां ले जाकर के लड्डू चढ़ाएगा। जब तक वो देता रहता है तब तक लोग लड्डू चढ़ाते रहते हैं, लड्डू चढ़ाओगे लड्डू वापस लौट कर आएंगे, किसी का जीवड़ा जलाओगे तो वापस तुम्हारा जीवड़ा जलने का तथास्तु। ये जो हाथ है ये तथास्तु कहता है और कुछ नहीं कहता। इसलिए जब जब कोई देवता प्रकट हुआ है किसी भगत के सामने, भगत ने मांगा है, अमरता मांगी तो अमरता मिली, मौत मांगी तो मौत मिली, जो मांगा उसको मिला, उनका काम केवल है तथास्तु कहना, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलता चला जाएगा। दादा सीखो लल्ला नहीं, लल्ला लल्लू लाल के पास रहने दो, लल्ला लल्लू प्रसाद के पास रहने दो, अपने तो दद्दा बनो, दानी राम जी बनो, देने वाले बनो, देवचंद जी बनो और हमेशा देने के भाव रखो। हमारे हाथों से ये हमेशा जाता रहे जाता रहे। दो हाथ कमाने के हों पर दो हाथ ऐसे बनाओ जो देने वाले बन जाएं। हर आदमी चार भुजाओं वाला इंसान बने, दो हाथों से कमाए और दो हाथों से लगाए। हाथ तो यही होंगे, कमाते समय ये हाथ खींचेंगे और लगाते समय ये हाथ यही हाथ देंगे। सांवरिया सेठ कहलाता है। सबका सेठ कौन? एक ऊपर वाला सबका सेठ है और वो सेठ तभी तक तो कहलाता है जब तक वो सबको देता है। भाई देने की आदत डालो है, जब तक लगे ना कुछ देते रहा करो। मैं तो भगवान से कभी नहीं कहता कि भगवान तू मेरे पास पैसा भेजा कर, केवल इतना ही कहता हूं ईश्वर आपने जो हमारी औकात बनाई है उस औकात का खूब उपयोग करवा, उस औकात का खूब उपयोग करवा। ये नहीं कहती कि 100 लोगों को जिमाना है तो उसका धन भेजना, तू तो केवल 100 लोगों को भेजना, बाकी की तो ताकत तूने हमारे भीतर अपने आप पैदा कर रखी है। जीमने वाले चाहिए, अब जीमाने वाले तो भीतर बहुत बैठे हैं। इसलिए हमेशा ये दाता के भाव रखो, ऊपर वाला भी देता है और ईश्वर ने अगर हमारी औकात बनाई है तो हम भी दें, बाकी इकट्ठा कर करके यही मरमरा के पूरे हो जाएंगे, इकट्ठा कर करके सब यही छूट जाने वाले हैं। जो भी ये यहां अधिक जो पैसे वाले हैं वो लोग तो समझ गए होंगे कि सब यहीं छोड़कर जाना है। मैंने तो जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि सब कुछ यहीं छोड़ छोड़ा के जाना है, एक सुई भी साथ जाती नहीं, एक ढेला भी साथ जाता नहीं है। फिर जो है उसका आनंद लें। सोचो मैं अपनी ओर से दया दान के लिए क्या निकालूंगा, क्या करना पसंद करूंगा, खुद के दिल में सोचो, मन में संकल्प लो। और जैसा कि मैंने कहा चार हिस्सा है, 100 रुपया है तो उसका 4%, एक किसके नाम पर, किसके नाम पर, मां बाप के नाम पर, उनके पुण्य के लिए खर्च करो। अगला 1 रुपया किसके लिए, आप जो सजोड़े जी रहे हैं एक दूसरे के साथ जीने की आपने जो कसमें खा रखी है उस पति और पत्नी के लिए, और 1 रुपया। अगला 3रा रुपया किसके लिए, संतानों के पुण्य सवाए रहे हमेशा, हमारी पीढ़ियां फलती फूलती रहें, हमारे बेटे पोते फलते फूलते रहें। भैया याद रखना आदमी केवल अपनी मेहनत से नहीं कमाता, मेहनत से वो मजदूरी कर सकता है, पर सेठाई का ठरका वो केवल मेहनत से नहीं होता, उसके लिए किस्मत चाहिए, उसके लिए प्रारब्ध चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए। और जो चीज इंसान को पुण्य से मिलती है उस पुण्य को कमाने के लिए हर आदमी को रोजाना 2 पुण्य के काम जरूर करते रहने चाहिए, हर आदमी को रोजाना 2 पुण्य के काम जरूर करते रहने चाहिए। सुबह शाम एक छोटा सा पुण्य कर लो, आपको लगता है पैसा नहीं खर्च कर सकते कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है आप पैसा नहीं खर्च कर सकते कोई बात नहीं, आप समय का भी दान दे सकते हैं, समय का भी भोग दे सकते हैं और किसी